श्री सुरभ्यै नमः। सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थीभिषेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनुरूपेण संसिथा घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। बोलो सुरभि माता की जय। सभी को नमस्कार मित्रों, द इंडिया पोस्ट द्वारा आयोजित भारतीय गाय से उत्पाद बनाने की जो आज हम मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर नंदिता पाठक जी। डॉक्टर नंदिता पाठक जी, आपको नमस्कार। और मैं अब अपने जी नमस्कार जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी को, जो कि पेशे से पत्रकार हैं, जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं द इंडिया पोस्ट का। डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी। सभी साथियों को नमस्कार। टेक्निकल इश्यू के कारण जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए माफ करें। डॉक्टर नंदिता पाठक जी एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नंदिता पाठक जी वो शख्स हैं जिन्होंने 1994 से लेकर 2015 तक भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के स्थापित चित्रकूट प्रोजेक्ट में कार्य किया है। यह उनकी शिष्या रही हैं नानाजी की, और जेपी फाउंडेशन उद्यमिता विद्यापीठ की फाउंडर डायरेक्टर हैं। आज पूरे भारत में इनके द्वारा ट्रेंड भाई और बहन गांव का विकास कर रहे हैं और भारत को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। मैं बहन नंदिता जी से आग्रह करूंगा, कृपया इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी को बहुत सारे नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। द इंडिया पोस्ट के तरफ से आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। भारतीय गाय से हम लोग क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं, कैसे अपने जीवन यापन सुखमय कर सकते, खुशहाली के जीवन की ओर हम लोग जा सकते, उसके लिए यह प्रयास द इंडिया पोस्ट की तरफ से किया जा रहा है। सबसे सर्वप्रथम मैं इंडिया पोस्ट के सभी कार्यकर्ता बंधु भगनियों का और प्रदीप जी का खासकर बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देते हैं। एवं इस प्रशिक्षण में ऑनलाइन जुड़े हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। प्रशिक्षण का अर्थ है वो शिक्षण जो अपने प्रयोग में आए। हम लोग कई ऐसी चीजें सीखते हैं जो अपने जीवन में कभी उपयोग नहीं होता, लेकिन आपको आज जो प्रशिक्षण मिलने वाला है और आगे भी जो प्रशिक्षण इंडिया पोस्ट के तरफ से मिलने वाला है वो आपके जीवन के लिए और भारत के लिए बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि गाय हम सब लोग जानते हैं, उसको माता मानते हैं गाय को और पूजते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूंगी, जब तक कि किसी के प्रति अपनी श्रद्धा सम्मान और पूजने की भावना ना होगा तो वो ना हम लोगों को पैसा देंगे, ना हम लोगों को कभी धनवान बनाएंगे, ना कभी आशीर्वाद देंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी देखते होंगे आप सब लोग कितने बड़े हैं, लेकिन अपनी माँ का आशीर्वाद के बगैर वो कभी कोई काम प्रारंभ नहीं करते। इसीलिए उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों से मैं निवेदन करती हूँ, अपनी माँ, अपनी गौ माता, अपनी गंगा के प्रति हम लोग यदि श्रद्धा के भाव रखेंगे वो भी हम लोगों को खुशहाली की ओर ले जाने में वो सब हम लोगों को मदद करेंगे। ये जो गाय है भारतीय अर्थव्यवस्था की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। हम सब लोग जानते हैं गाय से, आप लोग अभी सुन रहे होंगे इतने दिनों से जो व्याख्यान चल रहे हैं वो गाय के महत्व को हम लोग जान रहे होंगे। ये प्रशिक्षण मात्र इसीलिए अभी ऑनलाइन प्रारंभ किया है ताकि ग्रामीण नव युवक युवतियों को एवं शहर में पढ़े लिखे युवक युवतियों को गाय के प्रति एक श्रद्धा की भावना बने। जब हम लोग उसको श्रद्धा के भाव से देखेंगे, उनकी उसकी पूरी जानकारी एकत्रित करेंगे तो हम लोग धनोपार्जन की बात सोच सकते हैं। लेकिन गाय मात्र धनोपार्जन के लिए नहीं, जैसे माँ घर में होती है एक आसना मिलता है, एक आशीर्वाद मिलता है, ऐसे गाय यदि अपने घर के आगे
रहती है, गाय माता भी हम लोगों को आशीर्वाद देती रहती है। जहाँ गाय रहती है ऐसा साइंटिस्ट भी मानते हैं, वो वातावरण पूरा शुद्ध रहता है। मुझे एक छोटी सी बात बताकर आप लोगों को प्रशिक्षण भी प्रशिक्षण में सम्मिलित होना है। मैं भी बचपन में गांव में रही हूँ, दादा दादी जी के पास हम गाय पालन भी देखते थे और कैसे वो लोग गाय पालते थे और गाय क्या क्या देती है ये सब भी मैं देखती थी। लेकिन उस टाइम पे अचानक एक गाय का मौत हो जाता है, मेरी दादी माँ 3-4 दिन तक भोजन नहीं करती। उस समय हमें लगा पशुओं का पालन नहीं करना चाहिए क्योंकि अपने को बहुत कष्ट होता है। तब हमारे मन में कोई पशुपालन के प्रति कोई ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन भारत रत्न नाना जी देशमुख जी द्वारा स्थापित गोवंश विकास संस्थान के इसमें हम जाते थे। माननीय नाना जी देशमुख जी शुद्ध देसी नस्ल के गायों का संरक्षण संवर्धन करने का काम चित्रकूट प्रकल्प में प्रारंभ किए थे। कभी ऐसे ही हमें लगा, एक दिन अचानक मैं गौशाला पहुंचती हूँ और पता चला कि ये गाय को अच्छा चारा नहीं मिल रहा, पता नहीं कुछ ऐसी बात थी। तो मैं पहुंच के कई साल तक मैं गाय के प्रति लगाव मेरा कम होता गया था। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, वो गाय को जब हमने पूछा ऐसे ही जाके, क्यों आपको भोजन नहीं मिलता ठीक से, आप विश्वास नहीं कर सकते। जितने प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर उपस्थित है उनसे मैं कहना चाहूंगी, जितना मैं अंदर की भावना से संवेदना से उस गाय माता को मैंने पूछा क्यों ठीक से भोजन नहीं करते हो, तो फिर गाय बोलती है, सीधा मुंडी हिला के बोली, नहीं ताई। इसीलिए आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, गाय हम लोग यदि श्रद्धा से उसकी सेवा करेंगे वो हम लोगों का भी भरण पोषण करेंगे। लेकिन ये जो आप लोग प्रशिक्षण में आते ही साथ ये मत सोचिएगा हमको सीधा 50,000 या 1,00,000 रुपए कमाना है या गाय से कुछ हमें पैसा ही कमाना है। गाय का काम इंटीग्रेटेड है, जैसे आपको अभी सिखाया जाएगा आगे के प्रशिक्षणों में, अभी भी गाय के इससे पूरे अपन कीटनाशक दवाइयां बना सकते हैं जो कि केमिकल कंपोस्ट की जगह पर ऑर्गेनिक खेती करने के लिए आपको सिखाया जाएगा। सिर्फ गाय रहने से वो नहीं बनेगा, अपने आसपास में नीम का पेड़ चाहिए, लहसुन की खेती चाहिए पड़ेंगे, कुछ अलग अलग जड़ी बूटियां चाहिए पड़ेंगी, गौपालक अच्छे चाहिए पड़ेंगे, आसपास में धूप और सुखाने की व्यवस्था चाहिए पड़ेगी। इसीलिए ये एक अकेले गाय से नहीं होगा, जो भी गाय के द्वारा अपने जीवन यापन करना चाहते उनसे मैं निवेदन करती हूँ, इतना प्रेम अपने अंदर हो, जो भी आपके आसपास में जो भी सामान आपको दिखता है उससे अपनी लगाव हो। लगाव नहीं होगा तो गाय माता जो पंचगव्य दे रही है अपने को, चाहे वो गौमूत्र हो, गोबर हो, दूध हो, दही हो, घी हो, जो कुछ भी वो दे रही है वो सिर्फ अकेला एक वस्तु एक फिजिकल रूप में ही वो मिलेगा, भौतिकता ही रहेगी, उसमें संवेदना नहीं रहेगा। उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों से मैं निवेदन करती हूँ, आप लोग अच्छे से सीखिए, ये पहला आप लोग को ऑनलाइन होगा, आगे आप लोग जब इसके इंटरेस्ट बढ़ेगा अलग अलग प्रत्यक्ष जाकर भी आप लोग सीख सकते हैं। अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िएगा, अपनी भारतीय परंपराओं को आप सब लोग आगे बढ़ाएंगे और गौ माता हो चाहे गंगा हो चाहे अपनी खेती किसानी पशु संपदा जो भी हो उन सब में आपकी भूमिका सुनिश्चित हो। इंडिया पोस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद आभार देते हैं और इसमें जो गाय आधारित अपने उद्योग धंधे करने वाले लोग भी इसमें सम्मिलित है जो खुद के बहुत अच्छे अनुभव होंगे वो सब भी आप लोगों से आगे शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, भारत माता की जय, गौ माता की जय। फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर नंदिता पाठक जी ने जो मार्गदर्शन दिया है उस सभी साथी उसका लाभ उठाएंगे। मैं डॉक्टर नंदिता पाठक जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हिमांशु जी जुड़ चुके हैं, हिमांशु जी के बारे में बताना चाहूंगा कि हिमांशु जी पंचगव्य के 27 उत्पाद बनाते हैं और गव्य वेदा के मालिक भी हैं और आज की जो ट्रेनिंग है वो हिमांशु जी के द्वारा ही दी जाएगी। जी हिमांशु जी। जय श्री राम जी सभी गौ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और उनका ये रुचि दिखाने का आभार। सर्वप्रथम आज ये पहला सत्र ट्रेनिंग का होने के कारण कुछ मूल बातें जो कि हमें अनिवार्य हैं
ध्यान रखनी है गुणवत्ता के लिए तो वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। देसी स्वस्थ गायें जिसके ये हम्ब होता है पीठ पे, हमने उसी का लेना है, देसी गायें हो इसका लेना है। उसके बाद आज सबसे पहले हमारा अग्निहोत्र धूप बत्ती या पाथी का रहता है, इसमें पिछले वर्ष के अनुसार 30% गूगल सर्च या गूगल अपने आप को बताता है कि हमारी इसकी सर्चिंग बड़ी है 30% 2019 और 20 में। इसका यह कारण है कि इस समय पर बहुत अत्यधिक लोग 2020 में इसका उपयोग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं या प्रचलन में ला रहे हैं। कई सारे देशों में इसका बहुत प्रचलन बढ़ गया है और इस प्रचलन को देखते हुए आप इसका ये भी सर्च कर सकते हैं कौन कौन सा देश किस मात्रा में इसको इंपोर्ट कर रहा है, मंगवा रहा है। हमारी कुछ योजनाएं चल रही है जिसमें एक्सपोर्ट भी हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले देसी गाय का गोबर, ताजा गोबर हो, लेयर वाला हो, गाय स्वस्थ हो, उसकी डीवार्मिंग करी गई हो। डीवार्मिंग का मतलब होता है उसको औषधियां देकर के उसका पेट साफ करा हो गया हो, बैक्टीरिया कोई ना हो। इसके लिए आप अपने किसी फार्मेसी वाले डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और एक ये पुस्तक आती है, अगर ग्राम में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो ये उसके लिए है, अगर आसपास पशु का डॉक्टर न हो। डॉक्टर साहू हैं, उनकी ये पुस्तक आती है मात्र 2 रुपए 5 रुपए का सामान, घर की औषधियां, अपने रसोई में से कुछ सामान से गौ माता का इलाज हो जाता है, कोई लंबा बड़ा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सारे इलाज दिए हुए हैं डॉक्टर बलराम साहू, आप नेट पे देखेंगे आपको मिलेगी, इजिली अवेलेबल है ये पुस्तक। इससे आप डीवार्मिंग करें, डीवार्मिंग से क्या होगा, जितना भी आपको गव्य मिलेगा वो एक तो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, दूसरा जो गौ माता प्रेग्नेंट होती है उसका हमें कोई भी गव्य नहीं लेना है, कोई अस्वस्थ होती है उसका नहीं लेना है, 1 साल से कम की बछिया का कोई भी गव्य नहीं लेना है। ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। जब आप गोबर लेने जाएंगे ताजा गोबर लेना है, ताजा गोबर लेने के अलावा जब गोबर गिरता है तो ये इस प्रकार से लेयर बनाता है, ये देखिए ये इस प्रकार से ये लेयर बनाता है, ये जब आप देखेंगे तो ये बीच में छिल्ली उठती है। टेक्निकल विषय है गुणवत्ता वाला, अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो कभी भी गुणवत्ता आपके उत्पाद में नहीं आएगी। ये देखिए, ये मैं जूम करके आपको कोशिश कर रहा हूं कि झिल्ली भी दिखा दूं, ये इस प्रकार से झिल्ली बनती है। ये सारा ताजा गोबर है, स्वस्थ गाय का है, अब सबसे पहला काम आपने ये गोबर लिया, गोबर में थोड़ा सा पानी मिलाया, इसको मिलाने लायक जैसे हम आटा गूंथते हैं उस प्रकार से। क्या सबको आवाज आ रही है प्रदीप जी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, सही है। वीडियो क्लियर है भाई साहब? जी 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 जी। ये पात्रों का इस्तेमाल मैंने जो लैब में करते हैं या करते हैं वैसे हम लोग, तो उसका नहीं लिया, कारण लॉकडाउन है या गांव में है तो आप साधारण पात्र कोई भी ले सकते हैं, इसी कारण से मैंने वही पात्र उपयोग करे हैं जो कि बिल्कुल साधारण गांव में मिलते हैं। इसको कब तक गूंदना है ये भी बता दीजिएगा। ये लगभग 5 से 7 मिनट जब तक पूरा मैश हो जाए। जी, ये लाइव दिखाने का एक बड़ा अच्छा अनुभव है कि आपको ये सारा कुछ सामने होता दिख रहा है, बातचीत में इतना क्लियर नहीं हो पाता। ये देखिए, लगभग अगर आप 1 किलो गोबर लेते हैं
तो आपने लकड़ी का बुरादा, आम की लकड़ी का बुरादा आप ले सकते हैं लगभग 500 ग्राम। बेटे पंखा बंद करियो। बाहर जाके देखें जो आपने अभी आम का बुरादा डाला, ये किस काम आता है? ये गोबर को स्टेबल कर देता है। दूसरा, जैसे हम कोई भी इसको शेप देंगे बत्ती की, उसमें एक काम आता है। दूसरा, सीधा गोबर जलाने में कुछ कष्ट से जलता है, काफी समय बाद जलता है, तो ये इसकी बर्निंग के लिए थोड़ा जल्दी हो जाता है। जी जी। अक्सर गोबर में, गांव में तो नहीं, शहरों में कंप्लेंट रहती है कि गोबर की पाथी जलाई जली नहीं, काफी देर में जली। तो ये गोबर का स्वाभाविक एक प्रकृति है कि गोबर थोड़ा सा देर में जलता है। दूसरा, आम की लकड़ी को समीधा अग्निहोत्र में कहा जाता है, शुद्ध माना जाता है। आप आम की लकड़ी का लीजिए, वो सबसे अच्छा रहता है। ये जो है अपने बुरादा, इसको कैसे तैयार करते बुरादा को? प्रश्न आया, बुरादा आपको तैयार नहीं करना। आप जब भी आसपास कहीं आरा मशीन पे जाएंगे या कहीं पे भी दरवाजे बनते हैं, कोई मतलब लकड़ी का कोई भी फर्नीचर बनता है, तो आप वहाँ आम की लकड़ी का डिमांड करेंगे, आम की लकड़ी का बुरादा आपको मिल जाएगा। हो सकता है वो ये कहीं एक आध दिन में ले लीजिएगा तो आपको आराम से उपलब्ध है। आरे पे, आरे पे, आरे पे। इसके बाद आप अगर तो अपनी हवन सामग्री पिसवाते हैं, अगर तगर नागर मुत्था ये सारा कुछ डाल करके, बहुत सुंदर है। नहीं तो आप कुछ 200 ग्राम के लगभग नागर मुत्था आप पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद इसमें साद मिला दीजिए। उससे आपकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी। अगर आप हवन सामग्री पूरी बनाते हैं तो उसमें कॉस्टिंग थोड़ी अप जाती है, वो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। लगभग 200 ग्राम। ओम कृपा। इस समय पर ये इतना सुगंधित हो गया है, नागर मुत्था अपने आप में एक बहुत अच्छी सुगंध देता है, और ताजे गोबर में किसी प्रकार की कोई दुर्गंध या कोई भी किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, कोई कीड़ा आपको नहीं दिखेगा। बहुत ही बढ़िया, आप हाथ भी लगाएंगे तो अच्छा अनुभव आता है। ये गूंथते गूंथते हाथ भी ठीक हो जाते हैं, त्वचा का कोई इन्फेक्शन हो, कोई चर्म रोग हो, तो वो भी स्वतः ही ठीक हो जाता है। अब इसमें थोड़े से चावल 50 ग्राम के करीब चावल, आप इसमें चावल का बुरादा या चावल आप दोनों ले सकते हैं। चावल का बुरादा बॉन्डिंग का काम भी करता है, चावल भी बॉन्डिंग का काम करता है, और जलने में भी कार्य अक्षत हम यज्ञ में हवन में अक्षत डालते हैं। आवाज आ रही है मनोज जी? मनोज जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ये भाई साहब देसी गाय का देसी घी, गाय का देसी घी नहीं, देसी गाय का देसी घी। कौन से लेंगे पे खोला? हाँ जी, नहीं नहीं और है ये शायद निजी बातचीत किसी की आ रही है, आवाज आ रही है कुछ अलग।
अब ये देखिए जैसे आटा गूंथते हैं तो ये शेप लेने लग गया, ये कोई भी शेप, अब ये देख सकते हैं ये शेप ले रहा है जी, ठीक है जी जी। पंखा चला बोलिए। हिमांशु जी एक प्रश्न आया है कि हम कितनी सामग्री डाल रहे हैं और कितना उत्पाद बनेगा इसमें? 1 किलो गोबर जी, 500 ग्राम लकड़ी जी, आम की लकड़ी, 200 ग्राम लगभग सामग्री जी, लगभग 150 ग्राम घी जी, 50 ग्राम चावल जी, और ये लगभग लगभग 1.25 किलो के करीबी सामान बनेगा जी। ये उसमें पानी थोड़ा सा जो डाला है उसके मॉइस्चर के कारण है। आपको गोबर कैसा मिलता है आजकल गर्मियों में? गोबर जब आप लेंगे ताजा भी, तो ताजा भी एकदम से ड्राई हो जाता है, उसमें पानी अत्यधिक सूख जाता है बड़ी तेजी से। और अगर यही आप थोड़ा सा नमी वाला मौसम लेंगे तो आपका सामान और ज्यादा कम बनेगा, आजकल जैसे आप लेंगे तो थोड़ा ज्यादा बनेगा जी। ये इस प्रकार के उत्पाद बाजार में मिलते हैं, आपने देखे होंगे। सबसे अधिक बिक्री वाले उत्पाद ये हैं, ये संविदा की देसी गाय के गोबर की अगरबत्ती है, अगरबत्ती क्षमा चाहूंगा स्टिक, बत्ती कह देते हैं इसको, धूप स्टिक जी। उसके बाद सबसे अधिक बिकने वाली है ये पाथी, अलग अलग शेप। थोड़ा सा पाथी को थोड़ा सा अपने कैमरे का लेकर आए जी 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 जी। ये लगभग 2019 और 20 30% अधिक इसकी सर्च है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है। कल को एक गौसेवक हैं, मैंने उनको ऑनलाइन के लिए जब बात करी तो उन्होंने कहा 30% अधिक है, और मेरे पास भी इसके ऑर्डर बहुत अच्छे आ रहे हैं, और अब तो विदेशों में इसका प्रचलन अत्यधिक है, आप लोग ऑनलाइन विदेशों में भी सप्लाई कर सकते हैं जी जी। तो इसके लिए जैसे ये आपने बनाना है, बड़ा सिंपल है, आपको ये सिरिंज कहीं पर भी उपलब्ध हो जाएगा जी। ये हम डॉक्टर उसमें सिरिंज यूज करते हैं जी। हिमांशु जी जो आप बता रहे हैं कि विदेशों में भेज सकते हैं, तो इसके लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता है अगर विदेश में भेजना है? भाई साहब ऑन इसमें ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, और इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा लाइसेंस नहीं है, कुटीर उद्योग लघु उद्योग के माध्यम से भी जा सकता है, अत्यधिक लाइसेंस की आवश्यकता, कोई टेस्टिंग कोई लैब उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती? अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग लैब हैं, वो आपको नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, चाहे बिक्री के लिए इंडियन हो चाहे विदेश में हो, दोनों ही जगह आप कोई भी सामान बिक्री करते हैं तो कृपया अपने लाइसेंस जरूर पूरे करिए। तो जैसे जो अगर इस प्रकार से गोबत्तियां बनाना चाहता हूं उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत है? लघु उद्योग का है और एमएसएमई का है, कोई बहुत ज्यादा मतलब लघु उद्योग एमएसएमई वही हो गया, और इसके ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है अगर आपने बाहर भेजना है, इससे ज्यादा और नहीं है कोई। हिमांशु जी अगर लघु उद्योग का लेना हो लाइसेंस किसी ने जो ये भी गोबत्ती बनाना चाह रहा हो, तो उसके लिए कोई ज्यादा परेशानी आती है कि सिंपली मिल जाता है? नहीं, आप सिंपली अपना नेट ऑन करिए, नेट ऑन करके आप ऑनलाइन ट्राई करिए, मेरे हिसाब से आपका आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ वगैरह 2-4 चीजें लगेंगी, कोई इतना ज्यादा विशेष नहीं है, आपको आराम से मिलेगा। लघु उद्योग का मिल जाता है तो हम ये जो गोबत्तियां बना रहे हैं इसको हम आराम से मार्केट में बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। धन्यवाद। और अब तो वैसे भी हमारी जो अब नई नीतियां आ रही हैं तो उसमें इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है कुटीर उद्योग को। जी 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 आप जी ठीक है, ये बिल्कुल जी। ये हमने इसका आगे का ये वाला हिस्सा जो है ये हमने काट दिया जी जी ठीक है, ये सिरिंज को ऐसे आप 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग पैकिंग के अनुसार आप ले सकते हैं जी। नॉर्मली कितना बनता है ये 3 ml? आप कितने के बनाते हैं ये देखिए ये 3 ml इतना बनेगा
मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, अभी पता चल जाएगा आपको। ये आपको दिख रहा है? धूप स्टिक। जी जी, हमारी धूप स्टिक तैयार हो गई है। धूप स्टिक तैयार है, देखिए जैसे ये सूखने के बाद ये फॉर्म ये आएगी। जी, ये गीली है। जी, आजकल के मौसम में लगभग 2 घंटे भी इसको पर्याप्त है, 2-2.5 घंटे अब इस तरह से करके इसको बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपने ये वाली बनानी है तो इसके लिए साधारण तौर पे हमारे यहाँ घर में महिलाएं जो 2D इस्तेमाल करती हैं, कड़े करते हैं, तो वो कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये देखने वाली रहती है कि जो आप गव्वे ले रहे हैं, गव्वे बड़े ध्यान से लीजिए, स्वस्थ गाय का लीजिए, डीवार्मिंग करी हुई हो। जी जी, घी लीजिए, देसी गाय का देसी घी ही लीजिए। बाजार में जो आजकल आ रहे हैं, गाय का देसी घी नहीं, देसी गाय का देसी घी। जी जी, नहीं तो इसकी गुणवत्ता नहीं बन पाती। जी, हवन सामग्री लीजिए, वो शुद्ध लीजिए, चाहे खुद थोड़ी सी पिसवा लीजिए, नागर मुताई अगर आप अकेला भी डालेंगे तो भी पर्याप्त है। जी, किसी भी गौवर्ती परिवार के यहाँ कोरोना नहीं घुस पाया, उसका कारण यही है कि वो लोग पाथी जलाते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। थोड़ा सा और आगे लेके आए। जी, बस यही थी, धन्यवाद। ये इतनी डेंसिटी है, ये कड़ा इतना मोटा था, आप अपनी बिक्री के अनुसार इसका साइज तय कर सकते हैं, कम चौड़ा है, बड़ा चौड़ा है, कितने नंबर का आपने चूड़ी लेनी है। एक ये प्रकार है, एक ये है। जी, इसका मूल्य 35 रुपए है लगभग। जी, ये लगभग 35 रुपए मूल्य है इसका, और इसका मूल्य लगभग 50 रुपए है 30 पीस का। आप ये लोग देख सकते हैं, ये बेटे बाहर बनाने के लिए दे दो। इसके अलावा अपने जो नागपुर अनुसंधान केंद्र है उसमें कई सारे पेटेंट कराए गए हैं पंचगव्य के ऊपर, उनकी ये पुस्तक है, पेटेंट है, उनमें क्या क्या कंपोजिशन रहती है, क्या क्या गुण पाए जाते हैं, कौन कौन सा पदार्थ है, वो सारा इसमें दिया गया है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इसको। ये KEN राघवन, ये अपने प्रशिक्षण प्रमुख हैं। इसमें सारा खेती से संबंधित और उत्पाद से संबंधित सामान बताया गया है, कैसे बनना है। अब ये पुस्तक भी खरीद सकते हैं। ये पुस्तक कहाँ मिल सकती है? ये पुस्तक मतलब आप, हाँ जी, ये आयोजकों को आप बोल सकते हैं, जो आयोजक हैं आप उन्हें बताइए, वो उपलब्ध करा सकते हैं आपको, मैसेज में भी डाल सकते हैं। जी, और इसका उपयोग आप ऑनलाइन वैसे भी जैसे उचित समझे वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद आपके। इसके अलावा और कोई इसके विषय में कोई? जी, मेरे पास है भाई साहब। आपके पास भी ये वाली पुस्तक है कि नहीं है? जी है भाई साहब। तो बताओ कि हमारे पास भी है, आप ऑनलाइन भेज दोगे? जितनी है उतनी तो भेजो और मंगा लो राघवन जी। बिल्कुल जी भाई साहब, वो आयोजक तय कर लें, ज्यादा उचित है। ठीक है, मनोज जी से बात करो। जी भाई साहब। जी जी, जी।
जी मनोज जी और प्रदीप जी इस विषय को देख रहे हैं भाई साहब जी, अभी जो जो हमारे पास इस कार्यक्रम के लिए 150 लोग रजिस्टर्ड किए थे, सभी कुछ लोग तो नेट के कारण नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उन लोगों को ये सूचित कर देंगे कि पुस्तक भी मिल जाएगी और वीडियो तो जो हम है इसको शेयर करेंगे फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। पुस्तक से खुद बना पाना मतलब एक अनुभव वाली बात है, काफी समय लग जाता है, नहीं हो पाता। लाइव देखने से आपको बड़ी जल्दी समझ आता है, जल्दी ही बन जाता है। आज जो ये आप बत्ती बना रहे हो और जो हम बत्ती खरीदते थे इसमें बहुत अंतर दिख रहा है कि जो हमें मिलती थी उसमें भाई साहब जो आप ये बत्ती देख रहे हैं ये बिल्कुल 100% हर्बल है, जो बाजार में आप देखते हैं या जो धूप देखते हैं गूंदने वाली जो धूप होती है काले रंग की, उसमें मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं किसी को कोई ब्लेम कर रहा हूँ, ना मेरी कोई ऐसी मंशा है, ना मेरी कोई ऐसी मानसिकता है, परंतु एक दुर्भाग्यवश बात है उसमें लेटेक्स चला जाता है। लेटेक्स होता है एक प्रकार का रबड़ जिससे पैरों में आप शूज वगैरह डालते हैं, सोल बनता है जो मुड़ सके वो जी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, तो जी जी। वो डालने के कारण वो काले रंग का गूंदने के लिए जब आप गूंदते हैं तो वो आराम से टूटता भी है, जैसे मर्जी उसको आकृति दे दीजिए वो आकृति भी दी जाती है, तो वो लेटेक्स डाला जाता है जो कि हवन सामग्री में या इस प्रकार की संविधा में डालना बिल्कुल उचित नहीं है। रबड़ आप जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा। एक बात प्रदीप जी बड़ा निश्चित है कि धूप अगरबत्ती जलाने से ईश्वर नीचे नहीं आएगा, ये हमारी दिमाग को ऑक्सीजन मिले, हमें नया रास्ता दिखे, जब हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें नए मन में अच्छे विचार आएंगे, सात्विकता आएगी और हमें रास्ता दिखेगा। ये धूप अगरबत्ती इस चीज का जो सारा प्रावधान है हमारे शास्त्रों में तभी इसी कारण से दिया गया है, और पहले ये सब देसी गाय ही थी और उसके गोबर से ही बनता था, इस कारण से इसको ये मतलब उपयोग करते थे। ये बाद में कह लीजिए धर्म के ऊपर आघात या सुबह उठते ही हमारा सबका रूटीन ही खराब हो जाए, दिमाग उस प्रकार से काम ना करे, इसके लिए ये एक छल कह लीजिए तो कुछ दुर्शक्तियों द्वारा करा गया है कि आप सुबह सुबह कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज कर लेंगे तो बाद में फिर आपका दिमाग इतना अच्छा चलेगा ही नहीं, तो आप फिर नौकरी ही करेंगे। बताएं कि कुछ हमें बता रहे थे कि जो ये गाड़ियों का मोबाइल होता है पुराना मोबाइल जो उनसे होता है क्या उसका भी प्रयोग होता है? उसका भी प्रयोग होता है, पुराने मोबाइल का प्रयोग होता है, लेदर डस्ट का होता है, लेदर डस्ट हो गई जो टायर या चमड़ा ये जितने भी लघु उद्योग हैं कुटीर उद्योग हैं चप्पल बनाने वाले इनकी वेस्ट हो गई तो इनका भी होता है, मगर उसमें क्या है कि आजकल बोलना थोड़ा गलत ज्यादा हो जाता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन करता है कौन नहीं, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो भी करते हैं और हमें इन चीजों से बचना चाहिए जी। और कोई किसी का प्रश्न हो? इसकी कितनी कॉस्ट निकलेगी ये भाई साहब उस समय के ऊपर है, आप लोग नगरमाता किससे ले रहे हैं, आप जैसे बड़े सिटी में बैठे हैं तो हो सकता है आपको औषधियां महंगी मिले और अपने गौ पालक को इसका पूरा मूल्य है, बनाने वाले व्यक्ति को, चाहे आप निजी रूप से बनाएं चाहे आप किसी से बनवाएं, इसका पूरा का पूरा मूल्य है, मान करके चलिए कि आपने लेना है और इसका गोबर का एक हिस्सा आपने निकालना ही निकालना है। कई बार मानसिकता क्या होती है, गोबर तो वेस्ट है हमारे घर का है, हम इसको बनाएंगे बेचेंगे लेबर निकल जानी चाहिए, नहीं, एक गोबर का हिस्सा और एक गौ पालक का जो मानदंड है मानदान है वो जरूर निकलना चाहिए, ये दो चीज निकले, तीसरा इसका ये जो कॉस्ट है, हो सकता है आपको डिब्बी प्रिंट करानी हो, शुरुआत में आप डिब्बी वगैरह प्रिंट कोई ना कराइए, आप साधारण जिस लिफाफे में दीजिए, जिसको गुणवत्ता का पता है आपके आसपास पता है वो आपसे जरूर लेगा। बिल्कुल, यहाँ फैब इंडिया है चंडीगढ़ में, उसमें 100 रुपए की भी ये 10 बत्तियां मिलती हैं, लोग लेते हैं। मैं बताता हूँ, पिछले दिनों मेरा चंडीगढ़ जाना हुआ कुछ समय पहले, तो मैंने देखा वहां पे 100-125 रुपए तक इस प्रकार के पैकेट थे चंडीगढ़ में, वो डायरेक्ट किसी के ऊपर स्टिकर चिपका करके बड़े अच्छे रेटों में दे रहे थे, ये अच्छी चीज है, मगर इतना मूल्य ना रख के थोड़ा कम रखा जाए वो भी ज्यादा ठीक है, सभी लोगों के पास इस्तेमाल हो।
जो फैब इंडिया में जाता है वो छोटी चीज लेता भी नहीं है ना फिर। मतलब ठीक है, जो दे सकता है उसे जरूर लीजिए, मगर जो नहीं दे सकता उसे दीजिए। अभी वहाँ बाइंग कैपेसिटी वाले ही जाते हैं ज्यादा। जी जी जी, और किसी का कोई प्रश्न हो? जी, कोई भी साथी अपना एक को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सरल समझाया। और हेलो सर, मेरे क्वेश्चन है। जी जी, आवाज आ रही है। जी जी, बोलिए भाई साहब। सर ये पूछ रहा था, ये जो बुक्स आप बता रहे थे जी जी, इनका पीडीएफ भी अवेलेबल हो सकता है क्या? पीडीएफ उपलब्ध नहीं है, आप पीडीएफ उपलब्ध नहीं है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं इसका। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ एक बार। किसका नाम है? गौ ग्राम विकास। इसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट बताइए सर इसका। इसकी कॉस्ट है 35 रुपए। कुछ भी नहीं है सर, तो एक और थी जो सर उसकी, एक ये देवला पार की है, ये पंजाबी में है, ये पंजाबी में है, ये आप आयोजकों से बात करके मंगा सकते हैं, मैं आयोजकों को भेज दूंगा, ये हमारी ओर से निशुल्क है, की ओर से निशुल्क है, कोई भी योग्य पात्र है। हाँ, इसके अलावा एक और ये है, अगर आपके आसपास डॉक्टर न हो, ये मैं आपको निजी अनुभव बताता हूँ, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, डॉक्टर बलराम साहू है गौ सेवक, उन्होंने उड़ीसा में बस्तियों में वनवासी क्षेत्र में बहुत सा काम किया है, जिससे कि वहां पर गांव में दवाइयां उपलब्ध ना होने के कारण वो पान के पत्ते से, थोड़ी सी हल्दी से, देसी इलाज उससे उन्होंने करा है। तो ये पुस्तक बड़ी अच्छी है, बहुत लाभकारी है। हम यहाँ पे जो कहते हैं ना, देसी गाय का मतलब खर्चा बहुत होता है, कुछ खर्चा नहीं है, देसी गायें बिल्कुल एक साधारण वातावरण में जिसमें आप रहते हैं उसमें रहती है, उसे कोई एसी नहीं चाहिए, कोई ठंडा क्षेत्र नहीं चाहिए, जो खाना है वो अल्प मात्रा में अपने मर्जी से खाती है। अब ये नहीं कि जर्सी की तरह उसको डाल दो और वो खाती रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो थोड़ा ही खाना खाती है और उसका इलाज भी फ्री होता है। ये पुस्तक आप मंगाइए, ये पुस्तक थोड़ी सी महंगी है, मेरे ख्याल 300 रुपए के करीब होगी, तो हाँ इसका 300 रुपए मूल्य है, मगर ये इसका पैसा वसूल है भाई, आराम से मंगाओ। ये 300 मंगाने के बाद डॉक्टर, एक बार डॉक्टर अगर आता है चेक करने के लिए 150-200 रुपए ले जाता है, अगर आपको ये बढ़ते अनुभव नॉर्मल है तो आपको 2-4-5 रुपए में, जैसे चूने की पुड़िया हो गई, इन सब में इलाज हो जाएगा। डॉक्टर बलराम साहू उड़ीसा से हैं ये, आप इनकी मंगवा सकते हैं, ये इनका चित्र भी पीछे दिया हुआ है, और नंबर बता दो, नंबर बता दो साहू जी का, नंबर दे दो। हाँ, बलराम साहू जी का नंबर लिख लीजिए, एक इस पे मंगा सकते हैं आप, 94372-90259। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार, 94372-90258, डॉक्टर बलराम साहू जी। ठीक है जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं द इंडिया पोस्ट के सभी दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि आज द इंडिया पोस्ट के द्वारा आयोजित भारतीय गाय से उत्पाद बनाने की मुफ्त ऑनलाइन जो ट्रेनिंग दी गई है, इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और भविष्य में ऐसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और वहां पर एक दिया गया बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं। जय गौ माता, जय गोपाल।